हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। और आज मंडे है, मंडे की इवनिंग हो रही है। इवनिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, किचन में हूँ अगेन। शायद कल का व्लॉग भी किचन से स्टार्ट हुआ था और आज भी किचन में ही हूँ। शाम हो रहा है, आई थिंक शाम के 6:30 हो रहे हैं। टिमटिम अभी बस थोड़ी देर पहले सो कर उठी है, तो उसको थोड़ा सा मंचिंग के लिए कुछ कुछ दिया है मैंने खाने के लिए, नट्स वगैरह, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह। और मेरे लिए रख रही हूँ मैं चाय, बिकॉज थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी मैं, और हस्बैंड ऑफिस से 8 बजे से पहले नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेली ही पी लेती हूँ चाय भी। और थोड़ी देर पहले ही मैं अभी मतलब फ्री हुई हूँ, मैंने थोड़ी देर काम किया, 4 o'clock तक मैंने काम किया था, फिर मैं थोड़ा लेट गई थी घर पे, फोन पे बात किया सबसे थोड़ी थोड़ी देर, और बस अब मैं फ्री हुई हूँ। सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करें। मैं व्लॉग स्टार्ट करने का मॉर्निंग से ही सोच रही थी मैं, लाइक जब मैंने इसके पहले वाला व्लॉग एंड किया था तब से ही सोच रही थी कि व्लॉग स्टार्ट करना है करना है, बट नहीं कर पाई। 1 मिनट में अदरक लाती हूँ। अदरक चाय में अब मस्त हो गई है, गर्मी गई बरसात में अदरक की चाय मस्त। सो मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास में एक छोटा सा बकेट है, इसमें मैं रखती हूँ ये अदरक पीसने वाला। इससे सबसे अच्छे से जो अदरक है वो ग्रेट करते बनता है, बहुत इजी। और अदरक का जितना जूस होता है वो सब चाय में ही गिरता है, वो कूट के हम डालते हैं तो बहुत सारा जूस वो कूटनी में भी लग जाता है, बट सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस बकेट के अंदर एक कूटनी किसनी जो है ये जो ग्रेटर है इसे डाल के, और अदरक भी मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। जब यूज करना है यूज किया, जब अदरक फिनिश हो गया नया वाला निकाल लिया। और इतना बड़ा अदरक 3 टाइम जाता है चाय में मेरे, थोड़ा ज्यादा अदरक डालती हूँ सर्दी वर्दी से बचने के लिए, और अदरक का ज्यादा टेस्ट अच्छा भी लगता है मुझे। जितना भी अदरक का जूस होता है ना वो सब चाय में ही रहता है, वो कुटनी से करने से मोस्ट ऑफ जो जूस रहता है वो उसमें ही रह जाता है। चाय रुक दी है, तो ये बन रही है मेरी चाय। और यहाँ पर दूध बॉईल करने के लिए रखा है, बिकॉज मैं आज डे टाइम पर दूध बॉईल करना भूल गई थी। टिमटिम हॉल में बैठी हुई है और अपना फिनिश कर रही है, जो मम्मा ने उसको थोड़ा सा दिया है खाने के लिए, फिनिश कर लेगी, देन मैं उसको होमवर्क कराऊंगी। अभी क्या है, यूकेजी में है तो अब होमवर्क फ्रीक्वेंटली मिलता है, लाइक एलकेजी के कंपैरिजन में रोज मिलता है होमवर्क। और अभी क्या है, डेली बच्चे को एटलीस्ट 1 आवर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ट्यूशन्स नहीं डालना चाहती अभी से, मुझे फिर ऐसा लगता है मेरी एजुकेशन पर क्वेश्चन मार्क हो जाना चाहिए अगर मैं उसे अभी से ट्यूशन भेजूँ। तो बहुत सारी मदर्स रहती हैं जो नो डाउट बहुत क्वालिफाइड हैं, बट उनके पास टाइम नहीं रहता, लाइक या तो 2 बच्चे हैं या तो फिर वो एक्सट्रीमली वर्किंग है, ऑफिस जाते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे अगर आप ट्यूशन डाल रहे हैं तो चलता है, बट मेरा काम ऐसा है कि मैं घर से काम करती हूँ तो मैं बच्चे पर ध्यान दे सकती हूँ एटलीस्ट उसकी पढ़ाई पर, इतनी छोटी क्लास पर तो बिल्कुल ही दे सकती हूँ। तो इसलिए अभी फिलहाल मैं दूर दूर तक के ट्यूशन्स के बारे में नहीं सोचती हूँ, तो बस अभी मैं उसको करा के फिर थोड़ी देर बैठूंगी। लेकिन अभी क्या है, थोड़े वर्ड्स वगैरह स्कूल में ऑल ऑफ सडन इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, तो मुझे बहुत टेंशन होती है कि ये पढ़ पाएगी कि नहीं, इसको आएगा कि नहीं आएगा। तो 2-3 दिन से मेरे माइंड में वही चल रहा है कि अभी वर्ड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा दिए। एक्चुअली जो उसका स्कूल है उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीका फॉलो होता है, फोनिक्स पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं, लाइक वो वर्ड्स वगैरह अब जाके उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है यूकेजी में। वहीं जो दूसरे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे नर्सरी एंड होते तक के जो वर्ड्स होते हैं वो फिर गिर गया, आजकल रोज दूध गिर रहा है, रोज, बल्कि मैंने थोड़ा कम भी डाला था इस बार दूध, बट गिर गया फिर से। और मैंने आपको मेरे घर का न्यू लुक नहीं दिखाया ना, तो दिखाती हूँ मैं। टिमटिम फिनिश कर ले इसका नाश्ता, मैसेज आया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर का न्यू लुक, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, पूरा अच्छे से दिखाऊंगी अभी। ओके बेटी, अभी आप खा लो, फिर हम दिखाएंगे कि हमने हमारा घर कैसे सजाया है। ओके, क्या
क्या खा रही हो? खाओ खाओ खाओ। अरे चाय बन रही है, तब तक मैं टिमटिम को होमवर्क कराती हूँ। वो बैठ गई है उससे, देखिए ये बैठ गई है वो होमवर्क करने। आती हूँ कि क्या करना है एंड ऑल। क्या लिखा है? कलर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम साइज इन द सेम कलर। ओके, टिमटिम तो अभी अपना होमवर्क कर रही है। मैं आपको जो दिखाने वाली थी, मेरा हॉल का जो मैंने अभी थोड़ा बहुत चेंज किया इतना सा, वो दिखाती हूँ मैं। सो यहाँ से हुई हॉल की एंट्री, एंड ये देखिए मैंने पहले आपको अगर मेरा रूम मतलब हाउस टूर देखना होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च करना प्रीति प्रणा हाउस टूर, तो आपको दिवाली के टाइम का जो मेरा होम डेकोर था वो मिलेगा, जिसमें ये बना नहीं था, मतलब हमारा डिवाइडर नहीं बना था। और उस वक्त जो कलर कॉम्बिनेशन था वो था ग्रीन एंड पर्पल में, मेरा कर्टन भी ग्रीन था। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तो मैंने ये सब लेकर आई थी। पहले दो तीन ब्लॉग में मैं रिपीट कर चुकी हूँ बार बार, मतलब कुशन कवर और ये जो नीचे बिछाने का है सोफे पे एंड कर्टन वगैरह सब, मतलब नॉर्मल कपड़ा लेकर स्टिच कराया है। सो ये है मेरा हॉल का न्यू लुक, जो कि पिंक और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में है मोस्टली। ये देखिए सारी चीजें पिंक और क्रीम में है। मैंने वो फ्लावर भी कॉर्नर में, वो डार्क पिंक कलर के रोजेस हैं। ये देखिए कर्टन मैंने जो यहाँ सोफे में जो कलर डाले है उसी कलर का सेम मैंने कर्टन बनवा दिया है। और ये मेरा डाइनिंग टेबल और वो फेक एक्वेरियम है, डिफ्यूजर है एक्चुअली वो। बस मुझे दिखाना बैक कैमरे से दिखा। ये देखिए यहाँ से हुई हॉल की एंट्री। ओके, यहाँ पर ये मेरा टीवी वगैरह है, यहाँ पर थोड़ी लाइट्स भी है, वो जलाती हूँ मैं। वन मिनट। यस, आ रही है बेटा मम्मा वन मिनट में। ये देखिए ये कॉर्नर है, मतलब यहाँ किचन से आते से ही ये है पूरा, यहाँ पे ये लाइट्स लगी हुई है। ओके, एंड देन यहाँ पर ये हमारा डाइनिंग है, गणपति बप्पा, वो फेक एक्वेरियम डिफ्यूज़र है। देन ये बालकनी का डोर है, और बालकनी के डोर पे मैंने ऐसे करा हुआ है। देन वहाँ पर मेरा ये लैम्प है, और फिर ये सोफ़ा, एंड इस कॉर्नर में भी ये लैम्प है, और ये फैमिली फ़ोटो, और ये रोज़ेस, और ये छोटा सोफ़ा। एंड यहाँ पर ये मेरा उसका है क्या, उरली का है एक्चुअली कंटेनर, और ये मैंने ऊपर रखा हुआ था, बट अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे हस्बैंड यहाँ पर लाकर उन्होंने रख दिया इसे। ये तो मैं दिवाली में उसमें फ्लावर वगैरह सजाती हूँ, लाइक दिवाली के थोड़े दिन पहले से ही शुरू कर देती हूँ, बट अभी ऐसे ही रखा हुआ है। सो ये है मेरा हॉल, और मेरा एक्चुअली बहुत मन करता है कि मैं यहाँ पर कुछ रखूँ अपने सेंटर टेबल पर, बट मेरी बेटी छोटी है अभी, उसके फ्रेंड्स भी आते हैं थोड़े बहुत, और वो खुद भी अभी इतनी छोटी है कि टीवी देखते हुए खेलते कूदते कुछ लात मारा हो मेरा सामान फूट के, बहुत छोटी है 5 साल की है, तो इसलिए मैंने अभी सेंटर टेबल पर कुछ नहीं रखा है। इवन मेरे जो सेंटर टेबल के जो स्टोरेज है ना, उनमें मैंने बहुत सारी होम डेकोर की डेलिकेट डेलिकेट चीज़ें रखी हुई हैं, जो मैं मोस्टली त्यौहार वगैरह में निकालती हूँ सजाने के लिए। चाहती हूँ कि डेली लाइफ में डेली रूटीन में उसे सजाऊँ, बट वो भी पॉसिबल नहीं है। सो ये है न्यू लुक, बताना कैसा लग रहा है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन ये और सारी चीज़ें। चल रही मैं उसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट करा देती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा टीवी भी दिखाऊंगी। सो जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, टिमटिम रेडी होकर के कहीं जा रही थी, वो गई थी बर्थडे पार्टी में। हाँ, उसने अपना यूनिकॉर्न वाला नेकलेस पहना है जो क्लब फैक्ट्री से आया था कुछ टाइम पहले। सो इसका बहुत मन था वो पहनने का, कब पहनू कब पहनू। सो आज मैं ले जा रही थी बर्थडे पार्टी में, तो
आज पहना ही दिया एंड मैं आपको भी कुछ दिखाने वाली हूँ। मैंने एक्चुअली अभी बरसात आ गई है तो क्या है टिमटिम के लिए मैंने थोड़े फुल फुल सी ड्रेसेस ऑर्डर की थी ना फुल स्लीव्स और नीचे भी पजामा भी फुल। सो ये है टोटल मतलब मैंने टोटल 6 ड्रेसेस ऑर्डर की थी उसके लिए मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ट्राई से मंगवाया था मैं इन सबके लिंक्स दे दूंगी नीचे अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो सबसे पहला है ये ऐसे नहीं करते बेटा ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम। एक्चुअली ये थोड़ा मतलब रेनी डेज है ना तो थोड़ी ठंड लगने लग जाती है तो स्कूल से आते ही कुछ ऐसा पहना दो बच्चे को तो गर्मी ठंडी भी नहीं लगेगी और अच्छा लगेगा। टिमटिम वेरी बैड मैंने आज उसकी ऐसी चोटी की थी क्योंकि ऑयल लगा हुआ था पार्टी में जाना था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं और वो कुछ एक्स्ट्रा हेयर स्टाइल करने की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। सो ये है फर्स्ट टू पीस आपको ये वाला पहनना है पहन लो ठीक है। सेकंड ये येलो कलर का ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया बहुत ज्यादा इसका कलर एक्चुअली बहुत प्यारा है लेमन येलो टाइप का लाइम येलो। ये है इसका शर्ट और ये है पैंट नाइट सूट जैसा है बट मैं दिन में भी इसको घर पे पहना सकती हूँ मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात में ही सोते टाइम पहनना है इसे। देन थर्ड है ये पिंक कलर का और इन सबके मटेरियल वाइज कपड़ा जो है हाँ वो भी पिंक है वो खोलने की जरूरत नहीं है बेबी वो ऐसे भी चला जाएगा। सो ये है सेकंड वन और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है लाइक मैंने जितने भी आपको भी कपड़े दिखा रही हूँ ना सबके मटेरियल बहुत अच्छे है। सो ये है पिंक कलर का और इसका बॉटम ये हो गए तीन। देन उसके बाद में ये है थर्ड वन अभी तक कि मैंने जितने दिखा ये सारे 5 to 6 इयर्स के हैं तो टिमटिम को थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ये जो है ये है 4 to 5 इयर्स का तो ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है और मैं अच्छा हो गया कि मैंने सारे 4 to 5 इयर्स एयर का नहीं मंगाया क्योंकि वैसे भी टिमटिम की हाइट भी छोटी है पतली सी है तो मुझे लग रहा था कि 4 to 5 भी उसको ठीक होगा बट ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। ये देखिए ये है टॉप और ये है इसका बॉटम ये सारे ना रेनी डेज के लिए अच्छे हैं घर पर भी बच्चा अच्छा लगता है अच्छे से पहन करके रहता है तो देखो तो अच्छा लगता है बच्चे को। देन ये है सेकंड ये भी 4 to 5 ईयर का ही है ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे ये कलर बहुत ही प्यारा लगा एंड देन ये टिमटिम पहन कर आ गई। देन ये जो लास्ट वन है ये है ये मुझे पैटर्न बहुत ही प्यारा लगा था दैट्स व्हाई मैंने ये सेलेक्ट किया था ये 5 to 6 इयर्स का है थोड़ा सा क्रिसमस जैसा लग रहा है ना देख के। सो ये टोटल 6 पेयर ऑर्डर किए थे मैंने सो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट वन टिमटिम ने पहन लिया उसको ये पहनना था क्योंकि इसमें कैट बनी हुई है बट इसको ऐसे टक इन मत करो ये बाहर ही रखो ऐसे अच्छा लग रहा है। बैठो 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 यस चलिए ठीक है मैम आई थिंक मुझे मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि अब मैं जा रही हूँ बस राइस मेरा बन गया है रात का अब डिनर करूंगी। सो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक की बाय बाय यस बाय बाय और वीडियो को लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम अगर आए होंगे आप मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।